तो अगर आपका पावर विंडो ऐसे नहीं चल रहा है, ऑन ऑफ नहीं लग रहा है, तो पैनल निकालने से पहले इधर साइड में आके डोर हिंजेस के साइड में देखिए आपका वायर टिक टाक है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इधर ये वायर कट हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं कि मेरे दो वायर्स कट हुए हुए हैं, तो अब ये दोनों वायर्स मैं ज्वाइन करूँगा और देखूँगा मेरा पावर विंडो चलेगा या नहीं। तो इधर मेरा वायर उधर बहुत ही कम है, तो इसको मैं और एक वायर कनेक्ट करूँगा, एक्सटेंड करूँगा थोड़ा वायर। तो इधर पहले आपको वायर का इंसुलेशन निकाल के उसके स्ट्रैंड्स जो है वो बाहर निकालने पड़ेंगे, ताकि आपको अच्छा कनेक्ट मिले कनेक्शन करते समय। तो थोड़ा इंसुलेशन निकाल के वायर बाहर निकालिएगा। वायर कनेक्ट करने के बाद इसको इंसुलेशन टेप मारने को मत भूलिएगा, नहीं तो ये शॉर्ट हो सकता है सब वायर्स कनेक्ट हो गए तो। तो ये सब वायर मैं अभी ज्वाइन करूँगा और देखूँगा मेरा पावर विंडो चल रहा है या नहीं। वायर कनेक्ट करते समय कलर के हिसाब से कनेक्ट करिएगा, रेड और ग्रीन जो भी वायर्स कट हुए हैं तो कलर के हिसाब से उसको कनेक्ट करिएगा। तो इधर मेरे सब वायर्स कनेक्ट करके हो गए हैं, अब मैं देखूंगा चालू करके मेरा पावर विंडो चल रहा है या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा पावर विंडो चालू हो गया है और चलने को लग गया है। तो ऐसे आपका पावर विंडो नहीं चल रहा है तो पैनल निकालने से पहले डोर हिंजेस में ज़रूर चेक करिएगा। तो अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके मेरे सब वीडियो देख के खुद के रिपेयर करके बहुत सारा पैसा बचाइए, और सब्सक्राइब और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।